नाम विक्रम बख्शी है जी। अच्छा, देसी तरीका था, अपने किसान जागरूक हो गया आजकल, किसान थोड़ा जानना चाहे भी के चीज गेड़ा जिस तरह हमारी दवाई मैं माने शहर तय लियान की जरूरत ना पड़े, खाद हो गया दवाई होगी और मन दिखा नुकसान भी होगा इनका तो सारी चीजा जिस तरह कह रहे हैं के सौदा गेड़ा के सिखाया जा रहा किसान और कब तक खेती कर रहे हो आप? देखिये जी देखिए इसमें जो है हम प्राकृतिक खेती अभी कर रहे हैं और उसमें हम कई सारी तरीके की अपनी देसी खाद और सब कुछ यहीं पर ही तैयार करते हैं। हम किसी भी तरीके का केमिकल जो है वो बाहर से नहीं लेके आ रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला मिशन यही है कि हम सबसे पहले खेती में जो एक केमिकल इतने डाले जा रहे हैं उसको हम ख़त्म करें और अपने जो भी हम प्रोड्यूस उगा रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़े, तो उसके पीछे हम पूरा यहाँ पर ये बी कॉस्मोस ऑर्गेनिक फार्म है जिसके यहाँ पर जो कर्ता धर्ता हैं वो हमारे अनुज बहल जी हैं, तो उनके इस पूरे निरीक्षण में जो है यहाँ पर खेत में काम चल रहा है और इसमें हमने कई प्राकृतिक मॉडल इसमें हमने बनाए हैं जिसके थ्रू हम यहाँ काम कर रहे हैं। क्योंकि हम सिर्फ यहाँ एक खेती नहीं कर रहे कि हम गेहूँ या चावल कर रहे हैं, इसमें हम कई तरीके की यहाँ पर फसलें उगा रहे हैं, सब्जियाँ उगा रहे हैं, कई हमने इसमें फलों के पेड़ लगाए हैं, कई दूसरे पेड़ लगाए हैं, तो पूरा हम इकोसिस्टम जो है एक खेत का डेवलप कर रहे हैं जैसे पहले हुआ करता था। पहले हम आप देखेंगे जब ये केमिकल यूरिया और ये सब फर्टिलाइजर आए उससे पहले जो किसान करते थे तो उस समय की जो गुणवत्ता होती थी जो प्रोड्यूस की वो बहुत ज़्यादा होती थी। आज जो है हमारे गेहूँ धान या और भी जो फसलें उसकी गुणवत्ता बहुत घट गई है। तो उस समय जो हम एक किलो गेहूं खाते थे और हमें जितना न्यूट्रिशन मिलता था आज उससे आधा भी हमें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम केमिकल डालते जा रहे हैं। आप खेती में देखेंगे सब जिम्मेदार जो है वो एनपीके का तो ध्यान रखते हैं, केमिकल डाल दिए, लेकिन उसके अलावा भी कई तरीके के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो जमीन को फसलों को चाहिए होते हैं जिनका वो नहीं डालते हैं। तो हम क्या है इसको एक समग्र रूप में कर रहे हैं, हम यहाँ हर चीज के लिए अपनी खुद की खाद तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमने ये आपने टैंक का भी देखा, ये बड़ा टैंक भी हमने बनाया है, तो हर तरीके का हमने उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया आपका, एनपीके हो गया, सभी तरीके का जमीन में कार्बन लेवल भी हम बढ़ा रहे हैं। तो इन सब चीजों पर हम यहाँ काम कर रहे हैं और हम यहाँ सबको जो है इन्वाइट भी करते हैं लोगों को और उनको, क्योंकि एक तो होता है कि हमने कर दिया अब हम दिखा रहे हैं, हम शुरुआत से दिखा रहे हैं क्योंकि ये हमने लगभग 6 महीने पहले शुरू किया है, तो हम शुरुआत से एक एक चीज दिखा रहे हैं किसानों को कि यहाँ किस तरीके से बदलाव